देखिए, चुनाव कौन जीत रहा है इस बात का संकेत तो भाजपा नेताओं ने ही दे दिया। एक व्यक्ति को हराने प्रधानमंत्री से लेकर 5-6 मुख्यमंत्री, कई एक मंत्री, कई एक नेता दिन रात एक किए हुए हैं, कोई असर नहीं पड़ना है। पिछली बार से दुगना मतों से हम चुनाव जीते। आते हैं उत्तर प्रदेश से, वो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। योगी जी, हम बटेंगे नहीं और न हम कटेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने उत्तर प्रदेश के सीएम और असम के सीएम पर गढ़वा में जेएमएम के केंद्रीय चुनाव कार्यालय में सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जोरदार हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि मिथिलेश ठाकुर को हराने के लिए देश के प्रधानमंत्री और 4-5 राज्यों के मुख्यमंत्री यहां आकर मिथिलेश ठाकुर पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना हताश है भारतीय जनता पार्टी के लोग। प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ की जनता पूरे पलामू परमंडल से इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया कर रही है, ये लिख कर ले लीजिए। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि वो क्या कहेंगे, वो तो नशा का सौदागर, गायक बैल का कारोबार बांग्लादेश से करते हैं। उन्होंने कहा कि दम है तो यहाँ गढ़वा से मिथिलेश को हरा कर दिखा दें। वहीं उन्होंने उत्तर प्रदेश के सीएम पर हमला करते हुए कहा कि ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी नेताओं के जुमलेबाजी से अब किसी भी वर्ग के लोग झांसे में नहीं आएंगे। केंद्रीय प्रवक्ता ने कहा कि यहाँ कोई नहीं बटेगा, यहाँ सब एक है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी वर्ग के संप्रदाय के लोग गढ़वा के सुनहरे भविष्य को देखकर आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट करेगा और गढ़वा से मिथिलेश कुमार ठाकुर प्रचंड मतों से जीतकर दोबारा विधानसभा में जाएंगे और इस बार सरकार बनने के बाद मिथिलेश ठाकुर को राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेवारी दी जाएगी। इस दौरान जेएमएम के प्रवक्ता धीरज कुमार दुबे, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष इंजीनियर उबैदुल्लाह कंसारी सहित सभी महागठबंधन के नेता शामिल थे। देखिए, चुनाव कौन जीत रहा है इस बात का संकेत तो भाजपा नेताओं ने ही दे दिया। एक व्यक्ति को हराने प्रधानमंत्री से लेकर 5-6 मुख्यमंत्री, कई एक मंत्री, कई एक नेता दिन रात एक किए हुए हैं, कोई असर नहीं पड़ना है। पिछली बार से दुगना मतों से हम चुनाव जीते। ये बेबुनियाद बातें झारखंड की धरती, खास करके गढ़वा की धरती पर आकर एक बड़बोला मुख्यमंत्री आसाम का, वो बोलता है कि सरकार बनी तो जेल भेज देंगे मिथिलेश ठाकुर। माँ का दूध पिया है तो जेल भेज के देख लो, सरकार होने की तो जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल को भी जेल भेज दिया तुमने बेबुनियाद आरोप में, मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन को जेल भेजा, कोई आरोप नहीं बनता था, देखो जेल भेजकर। झारखंड की जनता हिसाब कर देगी। इसलिए बड़ी बड़ी बातें ना बोले। सबसे बड़ा घोटालेबाज आज भाजपा में चला गया जेल जाने के डर से, शारदा स्कैम का आरोप, आज नशों का सौदागरों को संरक्षण देने वाला, और जो गौ तस्करी होती है सबसे बड़े पैमाने पर बांग्लादेश से होती है, उस पूरे गिरोह का सरगना कोई है तो हेमंता विश्व शर्मा है। सनातन की बात करता है, पाखंडी लोग, ये सिर्फ घोटाले और भ्रष्टाचार करना जानते हैं। इनका कोई धर्म नहीं है, इनका एक ही धर्म है कैसे अडानी अंबानी के पैसे जेब भरे जाए, किसानों के गरीबों का पैसा मारकर चंद उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के लिए सरकार बनाते हैं और उन्हीं की दलाली करते हैं ये लोग। आते हैं उत्तर प्रदेश से, वो बोलते हैं बटोगे तो कटोगे। योगी जी, हम बटेंगे नहीं और न हम कटेंगे। आप ऐसा इसलिए नारा दे रहे हो ना कि एक बार डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज तो चले गए लेकिन अपने पीछे कुछ छोड़ गए थे, वही उन्हीं के वंशज ये लोग इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं। क्यों बटेंगे हम? झारखंड भी एक है और एक रहेगा। आपको राजनीति का मौका यहां लूटने का मौका नहीं देगा। आप यहां की पूंजीपतियों, यहां की जमीन चंद पूंजीपतियों को सौंपना चाहते हैं, इसलिए आप डिवाइड एंड रूल पॉलिसी पर आए हैं। काट की हांडी बार बार नहीं चलती। आप धार्मिक ध्रुवीकरण के आधार पर सोचते हैं कि हम किसी तरह सरकार बना लेंगे। लोकसभा में वो भ्रम आपका टूटा है, विधानसभा में पूरी तरह साफ हो जाएंगे। ऐसे भी योगी जी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, उनकी जो सरकार है वो, अगली बार उनका भी जाना तय है, तो इस तरह का फ्रस्ट्रेशन वाला बात, निराशा और हताशा वाली बात वो करते हैं।